वेलकम टू बीटीएस न्यूज, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के दुर्जनपुर क्षेत्र में बता दें आपको कि दो राशन का दुकानों का विवाद चल रहा है। इसी बीच सैनिक संगठन के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान पर दबंगई कर शासन आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बैरिया तहसील में उप जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्रक सौंप न्याय की मांग की। जी पत्रकार महोदय, मैं धीरेंद्र प्रताप सिंह डब्लू, ग्राम पंचायत दुर्जनपुर हनुमानगंज, सैनिक संगठन अध्यक्ष और समाज सेवी। जहाँ तक मुझे सुनने में आया, आज पेपर के माध्यम से मुझे देखने को मिला कि अमर उजाला और दैनिक जागरण में शासनादेश का भी उल्लंघन किया गया है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन का मतलब चलेगा या किसी दलाल या दबंग के कोई प्रधान हो, भ्रष्टाचारी हो, उसका चलेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने आज पेपर पढ़ा, हमारे गांव की दो दुकानें हैं, राशन दुकानें, आज 3 साल से वो निरस्त चल रही हैं। आप समझ सकते हैं कि निरस्त क्यों हुई होगी। जब वहाँ पे घोर भ्रष्टाचार हुआ था तब दुकानें निरस्त हुई है। दुकान की डेट पड़ी हुई है सोमवार को कि दुकान करने के लिए, वहाँ पे अनुसूचित जाति का हुआ है। विकासखंड बैरिया के BDO साहब ने हमको दिया GO कि भाई ये GO है, और समूह दो समूह जो एक हनुमानगंज में जय भोलेनाथ के नाम से और दुर्जनपुर में माँ सायर जगदम्बा के नाम से, दोनों समूह सक्रिय है और बहुत दिन से ये चलता आ रहा है। आज प्रधान को 12 लोग मिले नहीं, तो इस वजह से वो अपने अलग आप वो करके और भ्रष्टाचार को इस चरम सीमा पे पहुंचा चुके हैं। इस पूरे बैरिया विधानसभा में सब लोग जानते हैं कि कोई भी तहसील हो, ब्लॉक हो या मतलब अपना हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जा करके उनका काम है और सीधा सीधा वो मतलब लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पैसे मांगते हैं और भ्रष्ट काम में ज़्यादा संलिप्त रहते हैं, यही उनका पेशा रह गया है। मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भाई पत्रकार होने के नाते ये पत्रकार तीसरा स्तंभ है, और मैं चाहूंगा कि जो भी कहीं का भी मामला हो, अगर सही है तो उसको सही ठहराइए, गलत है तो उसको गलत करिए। तो शासनादेश का जो है अनदेखा करके, और इन्होंने पेपर में निकाल दिया कि प्रधान अगर वहाँ पिछड़ी है कहीं भी तो वहाँ पिछड़ी होना चाहिए, अनुसूचित है तो अनुसूचित होना चाहिए, ये कहाँ का नियम है भाई। जो शासनादेश है वही तो होगा, शासन प्रशासन से बढ़ के तो हम लोग हैं नहीं, न्यायालय से बढ़ के हम लोग हैं नहीं। लेकिन इन्होंने मतलब उप जिलाधिकारी महोदय को भ्रमित करके और पेपर में आज निकलवा दिया, इसलिए मैंने उनके खिलाफ और जो न्याय है उसके खिलाफ, मैं कि न्याय होना चाहिए ना कि अन्याय होना चाहिए, उसके लिए मैंने आज उप जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिया है कि जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई करें और ग्रामीण जनता को न्याय मिले।